नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ धनतेरस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और धनतेरस कब है और धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में सदैव धन या लक्ष्मी जी का वास हो, और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि धनतेरस के दिन क्या खरीदने से लक्ष्मी जी का हमारे घर में वास सदैव होगा। आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि धनतेरस से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और धनतेरस क्यों कहते हैं और क्यों इसे मनाते हैं, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है, विशेषकर पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने का रिवाज है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन हम जो कुछ भी खरीदते हैं उससे हमें लाभ होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और इस दिन धनवंतरी भी अवतरित हुए थे, इसी कारण इसे धनतेरस कहा जाता है। और धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की भी पूजा किया जाता है। देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया समुद्र मंथन के द्वारा प्राप्त हुए उस समय 14 रत्नों में धनवंतरी व माता लक्ष्मी शामिल है। यह तिथि धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन धनवंतरी के साथ साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, धनतेरस से ही दीपावली का पर्व भी शुरू हो जाता है। और दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, इसी कारण से धनतेरस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले दीपावली पर्व में धनतेरस से ही भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा आरंभ की जाती है। समुद्र में से धनवंतरी प्रकट हुए। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, इसी कारण से ही इस दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि पीतल महेश धनवंतरी का धातु है। वही मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में नए वस्तु लाने से घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कहे जाने वाले भगवान कुबेर का वास होता है। इस दिन सोना, चांदी और पीतल के वस्तुओं के खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त क्या है और किस तिथि में ये आता है। धनतेरस का पर्व 2020 में 13 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायकाल 5:30 से सायकाल 5:59 तक होगा। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय होगा सायकाल 5:26 से रात्रि 8:05 तक होगा। वैसव काल की पूजा का शुभ समय होगा सायकाल 5:30 से 7:25 तक। और त्रयोदशी
एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर शाम 9:30 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगा 13 नवंबर शाम 5:59 पर। और धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे शास्त्रों में भी बताया गया है कि धनिया का बीज खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और धनिया के बीज को आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें और कुछ धनिया के बीज आप तिजोरी में रखें और कुछ बीज को आप उगाए। ऐसा करने से आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होगा, ऐसा मान्यता है। वही इस दिन झाड़ू खरीदने का भी विधान है। इसके पीछे ये मान्यता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में लाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। धनतेरस को केवल हिंदू पर्व में ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी महत्व दिया जाता है। सभी मान्यता है कि धनतेरस के दिन महावीर से ध्यान मुद्रा में चले गए थे और दीपावली के दिन उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। और धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यम देव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये अब हम जाने कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दीप जलाने का क्या महत्व होता है। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दिया जलाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस के शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा में दीप जलाकर रखते हैं। फलस्वरूप उपवास और उनके परिवार को मृत्यु देव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दिन दीप दान करे तो पूरे परिवार स्वस्थ रहता है। चलिए अब हम धनतेरस की पूजा विधि क्या क्या है के बारे में जानें। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको पूजा करने से पहले स्नान अवश्य ही करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़क कर पीला या लाल कपड़ा बिछाइए और अन्न की ढेर लगाइए। कपड़े बिछाने के बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, मिट्टी का हाथी, भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। ऐसा मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धनवंतरी को पीला वस्त्र अर्थात पीली वस्त्र अधिक प्रिय है। अब पूजा सामग्री जानते हैं। सबसे पहले हमें फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप व दीप का इस्तेमाल करना फलदायी होता है, इसीलिए ये चीजें हमें आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजा करके उन्हें सबसे पहले पुष्प और धूप अर्पित करें। उनका विधि विधान से पूजा करें।
इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी को पंचामृत से स्नान करके उनका रोली व चंदन से तिलक करें और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्पक अर्पित करने के बाद उन्हें फल और नवेद्र आदि अर्पित करें और उन पर इच्छित छिड़के त्र छिड़के। फिर भगवान धन्वंतरी के मंत्रों का जाप करें और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलने के बाद धनतेरस की कथा पढ़े और उनकी धूप व दीप से आरती उतारे और इसके बाद भगवान धन्वंतरी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए और अंत में माता लक्ष्मी और कुबेर जी का भी पूजा करें। जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लें तो अपने घर में मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल के दीपक अवश्य जलाएं। आइए अब हम जानें कि यम के दीपक कैसे जलाएं। सबसे पहले हमें यम के दीपक जलाने के लिए हमें दिया पुराना लेना चाहिए और दिए में सरसों का तेल डालना चाहिए और रुई की बाती डालकर रखें। फिर उसके बाद आपको इस दिए को घर के सिंह दिशा में जलाकर रखना है। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।